पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी करार राम रहीम को आज पंचकुला की अदालत सजा सुनाएगी। हालांकि सजा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनाई जाएगी, लेकिन एहतियातन पंचकुला में हाई अलर्ट के साथ धारा 144 लागू कर दी गई है। सीबीआई कोर्ट की ओर से आने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पंचकुला में हरियाणा पुलिस के साथ साथ आरएएफ को भी तैनात किया गया है। कोर्ट आज राम रहीम के साथ तीन अन्य दोषियों कृष्णलाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाएगी। निर्णय कोर्ट ने करना था, कोर्ट ने निर्णय किया और उसमें से राहत ये जरूर है कि निर्णय कुछ भी आएगा, लेकिन कम से कम एक सेंसिटिव केस के नाते से हम सारी स्थिति से उठे। फिरोजाबाद में एम्बुलेंस ड्राइवर की पिटाई। यूपी के फिरोजाबाद में कुछ लोगों ने मरीज को उतार रही एक एम्बुलेंस के ड्राइवर की जूतों से पिटाई कर दी। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक ड्रोन प्रतिबंधित इलाके में कई मिनट तक उड़ता रहा। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवान महेश कुमार का सीकर में उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यूपी के गोंडा में प्लेटफॉर्म पर ठेला लगाने वालों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध खनन से जुड़े लोगों का वन विभाग की टीम से मारपीट करने का एक वीडियो सामने आया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के मामले में एक एसपी नेता और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसा रोबोट लॉन्च किया गया है जो सड़क के नियमों का पालन करवाने में ट्रैफिक पुलिस की मदद करेगा। राजस्थान के उदयपुर में स्वाइन फ्लू के 5 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। बिहार के जमुई में नक्सलियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने दिल्ली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती से मिलकर जींद विधानसभा के उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की। राजस्थान के कोटा में झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र के लातूर में मां की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाने पर बेटे ने मां की चिता के साथ खुद को कार में जिंदा जला लिया। प्रयागराज के कुंभ मेले में राम मंदिर के जल निर्माण के लिए खास पूजा की गई। इसके लिए श्रद्धालुओं ने रुद्राक्ष से बने शिवलिंग की पूजा की और शिवलिंग के सामने दिए जलाए। दावा किया गया कि अगले 1 महीने तक वहां रोजाना 33,000 दिए जलाए जाएंगे। 11 लाख दीपों के प्रज्वलन करने का संकल्प है। 1 महीने में यह अनुष्ठान पूर्ण होगा। अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर बन सके, इसके लिए लोगों ने हवन भी किया। इस दौरान वहां मौजूद एक साधु ने अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू लेकर शिव की पूजा की। दावा किया गया कि संगम किनारे की जाने वाली इस खास पूजा के असर से राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। इस उद्देश्य से ये किया जा रहा है कि श्री धाम अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। लोगों ने उम्मीद जताई कि कुंभ मेला खत्म होने से पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर भी सियासी हमला किया। चंदौली की जनसभा में शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादियों को गुंडा बताने और नेताजी को गालियां देने वाली मायावती पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पर भी चुटकी लेते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें सीबीआई से डर क्यों लग रहा है। नेताजी को गाली देने वाले कौन थे? मायावती जी। नेताजी को गाली गुंडे बताते, समाजवादियों को गुंडे बताते, अब वही समाजवादी मिल गए जाकर के। मायावती ने जांच कराई थी, क्या मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ और क्या मैं डरे थे? अब खनिज विभाग का चल रहा है जांच, क्यों डर रहे? अगर सही होते तो क्यों डर रहे? यूपी के बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विकास नाम के इस बदमाश पर लूट, हत्या, गैंगस्टर के कई मामले दर्ज हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान कुछ बदमाश गन्ने के खेत का सहारा लेकर भागने में कामयाब रहे।